हेलो फ्रेंड्स, अब सेक डॉट इन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कोरोना वायरस का अपडेट को कैसे जाने। जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि इस राज्य में इतना सारा केसेस है कोरोना वायरस का, इस देश में इतना सारा केसेस है कोरोना वायरस का, ये सब कैसे पता करें कि किस देश में कितना कोरोना वायरस का केसेस है या किस राज्य में कितना कोरोना वायरस का केसेस है। तो चलिए, सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे तीन वेबसाइट को ओपन किया हूँ। मैं आपको ये तीनों वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वर्ल्ड मोमेंट भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। तो आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कोरोना वायरस केसेस, ठीक। तो आप देख सकते हैं अभी इतना सारा केस फिलहाल में अभी है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वर्ल्ड में अभी इतना डेथ हो चुका है और इतना सारे रिकवरी भी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव केस बताया जा रहा है, यहाँ पे क्लोजेस्ट केस। तो आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे USA, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल केस कितना है। यहाँ पे देख सकते हैं 32,03,57,417 केसेस अभी USA यानी अमेरिका में टोटल केस है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा न्यू केस मिला हुआ है, और यहाँ पे टोटल डेथ यानी कितना सारे व्यक्ति मर चुके हैं इस कोरोना वायरस के चलते, और यहाँ पे न्यू डेथ यानी कितना सारे अभी नया नया व्यक्ति फिलहाल में व्यक्ति मर चुके हैं, और यहाँ पे टोटल रिकवरी भी बताया जा रहा है कि कितना सारे रिकवरी हुए हैं, और यहाँ एक्टिव केस इतना है। तो अब देख सकते हैं बहुत सारा आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे ऊपर पूरा वर्ल्ड का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे केवल USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और यहाँ पे केवल इंडिया का है। तो आप देख सकते हैं USA 1 नंबर पे है और इंडिया 2nd नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारे कोरोना वायरस का केसेस है, इसीलिए हमें लॉकडाउन और मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद फ्रांस है, रसिया है, UK है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं कॉलम। अब अगर चाहते हैं कि आप केवल टोटल केस देखें या फिर यहाँ पे न्यू केस देखें, आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही आपको दिखाई देगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी केवल टोटल केस और न्यू केस ही दिखाई दे मुझे, तो मैं इसे ऑन टिक कर दूंगा ये सबको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब ऑन टिक करते ही ये सब यहाँ से हट जा रहे हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल टोटल केस और न्यू केस ही दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कोई देश आप खोजना चाहते हैं जो इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ PAK, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान आ चुका है। तो यहाँ पे टोटल केस कितना है और कितना न्यू केस हुआ है आप सब यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे वेबसाइट पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा दूसरा वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी टोटल केस बताया जा रहा है, और यहाँ पे टोटल रिकवरी केस, यहाँ पे टोटल डेथ, और यहाँ पे ये केवल इंडिया का है, और यहाँ पे लद्दाख का देख सकते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है, और यहाँ हरियाणा का है, और यहाँ पे राजस्थान का है। तो आप देख सकते हैं किस राज्य में कितना सारे केस हैं आप यहां से पता कर सकते हैं। जैसे मैं बिहार का दिखा दे रहा हूं, तो देख सकते हैं आप फर्स्ट कॉलम में दिखाई दे रहा है टोटल केस, उसके बाद है टोटल डेथ और टोटल रिकवरी। तो आप देख सकते हैं बिहार भी कम नहीं है, और उत्तर प्रदेश ये सब बहुत ही ज़्यादा केसेस है इस राज्य में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एक्टिव केस, और यहाँ पर आप पूरा कॉलम के हिसाब से समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा नेम ऑफ स्टेट, यानी यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे टोटल एक्टिव केस यानी यहाँ पे अभी कितना सारा केस है, और यहाँ पे डिस्चार्ज हो गए हैं, कितना डिस्चार्ज किए गए हैं लोग, और कितना डेथ हुआ है लोग, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से इस राज्य का मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं बिहार का ले रहा हूँ, यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार का पूरा मैप आ चुका है। और यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल इसका पटना है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना फार्मर्स है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हिस्टोरी है बिहार के बारे में, और यहाँ पे जियोग्राफी है, यहाँ पे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन, यहाँ पे बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा वेबसाइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानकारी है, और यहाँ पे बिहार बोर्ड 10th का क्लास भी दिया हुआ है। तो आप इस वेबसाइट से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा, और यहाँ से मैप देख सकते हैं बहुत सारा, और यहाँ पे बिहार फिजिकल मैप भी देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा तीसरा वेबसाइट, यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है केसेस ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी दिल्ली में कितना सारा केस है एक्टिव है, और यहाँ स्टेट बाय स्टेट दिखाई दे रहा है आपको। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर ले रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको शो हो जा रहा है।
तो देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे, बहुत सारा ये देख, तो आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा कोरोना का केसेस है। और यहाँ से आप नाइट मोड कर सकते हैं, अब आपको और अच्छा से दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो भी राज्य पे क्लिक करूँगा यहाँ पे दिखाई देगा उसका नाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर है, इसमें कितना सारा केस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वेस्ट चंपारण है, यहाँ पे 222 केस अभी है यहाँ पे वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण है 140 केस है यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो भी राज्य का नाम डालिएगा उस राज्य का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और आप मुझसे किसी भी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। We can't be torn apart.